हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना, ICT वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है कि बच्चों आपकी जो है 10th क्लास है, और 10th क्लास के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं चैप्टर नंबर 4। और चैप्टर नंबर 4 के अंतर्गत जैसा आपको पता है हमारा चैप्टर नंबर 4 है धर्म, जाति, लैंगिक मसले, यानी के जाति के, धर्म के और लैंगिक जो आपके मसले हैं इसमें सरकार का क्या रुख है और क्या क्या चीज हमें इसमें देखना है, इन सब बातों पर हम लोग आपका बात कर रहे थे। क्लियर है? ध्यान दीजिए आप सभी बच्चे इसी में। तो हमने सार्वजनिक और आपका निजी क्षेत्र के अंतर्गत बात की और इसको हमने एक एक करके बहुत अच्छे से गौर करके हमने इसको देखा और हमने सारी चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ा कि आपका निजी और आपका सार्वजनिक मामलों में क्या है, किस प्रकार आपका लड़का और लड़कियों के बीच पालन पोषण में किस तरह से अलग वार्ता दी जाती है और केवल आपके महिलाओं को ही गृहस्थ की जिम्मेदारी क्यों सौंपी जाती है, इसके विषय में भी हम लोगों ने आपका बात की और हमने इस पर एक एक करके अपनी चर्चा की। फिर हमने देखा कि जो महिलाओं के अधिकार हैं, हमने उनके विषय में बात की कि महिलाओं के अधिकार किस प्रकार हैं, क्या उनको अधिकार मिलने चाहिए, इन पर भी हमने एक एक करके बहुत अच्छे से अपनी चर्चा की। आदर्श स्त्री के एग्जाम्पल के रूप में हमने देखा कि क्या होता है, महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व क्या है, इसके विषय में भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से एक एक करके आपका पढ़ने की कोशिश की और उसको जानने की कोशिश की। ठीक, इसके बाद हमारे देश में आजादी के बाद महिलाओं की क्या स्थिति रही है, इस पूरी स्थिति पर भी हमने आपका आपको गौर किया और हमने इन सब को बहुत अच्छे से आपका देखा। ठीक है, देखिए अब हमको क्या करना है, इसमें थोड़ा सा और जो कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको हम लोगों को इसके अंतर्गत देख लेनी है और एक एक करके हम लोगों को इसमें बात करना है। कल मैंने बात की थी किसकी, महिलाओं का राजनीतिक जो आपका प्रतिनिधित्व है इसके विषय में मैं कल आपकी बात कर रहा था। ठीक है, आइए एक बार फिर देखते हैं और अच्छे से इसे जानने का प्रयास करते हैं। महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि औरतों की भलाई या उसके साथ समान व्यवहार वाले मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। इसी के चलते विभिन्न नारीवादी समूह और महिला आंदोलन इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जब तक औरत का सत्ता पर नियंत्रण नहीं होगा तब तक इस समस्या का निपटारा नहीं हो सकता। इस समस्या का निपटारा नहीं हो सकता, उनके साथ जो आपका समान व्यवहार वाली जो आपकी चीजें हैं, समान व्यवहार की जो आपका नीति है, उस नीति से कैसे आपका छुटकारा मिले, कैसे समान व्यवहार मिले और कैसे वो पर्याप्त जो उनको राजनीतिक अधिकार है वो मिले, वो तब तक नहीं हो सकता जब तक महिलाओं का आपका सत्ता पर नियंत्रण नहीं होगा। ठीक है, इस लक्ष्य को हासिल करने का एक तरीका यह है कि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ा दी जाए। अब कह रहे कि जितने प्रतिनिधि आपके चुन के आ रहे हैं उन सभी चुने हुए आपका प्रतिनिधियों की महिलाओं में उनकी हिस्सेदारी को हम लोग बढ़ा दें तो चीजें सही हो जाएंगी। भारत की विधायिका में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात बहुत ही कम है। जैसे लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या पहली बार 2019 में 14.36% हुई। राज्यों की विधानसभाओं का प्रतिनिधित्व 5 राज्यों से भी कम है। इस मामले में भारत का नंबर दुनिया के देशों में काफी नीचे आता है। प्रश्न नंबर 44 पर इसको देखने को मिलेगा। भारत में इस मामले में अफ्रीका और लतानिया अमेरिका में कई विकसित देशों से भी पीछे है। कभी कभार कोई महिला प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कुर्सी तक आई है पर मंत्रिमंडल पर आपका पुरुषों का ही आपका वर्चस्व रहा है। इस समस्या को सुलझाने का एक तरीका तो निर्वाचित संस्थाओं में महिलाओं के लिए कानूनी रूप से एक उचित हिस्सा तय कर देना है। भारत में पंचायती राज के अंतर्गत कुछ ऐसी व्यवस्था की गई है कि
स्थानीय सरकारें यानी के पंचायतें और नगर पालिकाओं में एक तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षण है। कहां पर? ग्राम पंचायतों में और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई जो सीट है उनका आरक्षण दिया गया है, उनको रिजर्व किया है। यह आपको ध्यान रखना चाहिए। आज भारत के ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में निर्वाचित महिलाओं की संख्या 10 लाख से ज्यादा है। महिला संगठन और कार्यकर्ताओं की मांग की लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की एक तिहाई सीट महिलाओं के लिए आरक्षित कर देनी चाहिए। संसद में इस आशय का एक विधेयक पेश किया भी गया था, पर 10 वर्षों से ज्यादा अवधि तक वह अभी लटका हुआ है। कैसा है? वह अभी लटका हुआ है। आप देख सकते हैं, सभी राजनीतिक पार्टी इस विधेयक क्या कह रहे हैं कि सभी राजनीतिक पार्टी इस विधेयक को लेकर एक सहमत नहीं है और वह अपने पास हो सकता है। लैंगिक विभाजन की इस बात की एक मिसाल कुछ खास किस्म के राजनीतिक विभाजन की के रूप में जरूर देखते हैं। इससे यह पता चलता है कि जब सामाजिक विभाजन एक राजनीतिक मुद्दा बन जाता है तो वर्चस्व समूह को किस तरह लाभ होता है। क्या आपको लगता है कि अगर महिलाओं से भेदभाव भरे व्यवहार का मसला राजनीतिक तौर पर ना उठाया गया तो उन्हें लाभ मिल पाना आपका क्या नहीं है? संभव नहीं। क्लियर है? अब आप इस छोटे सा एक इमेज है, आप इसको ध्यान दीजिए और इसको देखने का प्रयास करिए कि आपको इसमें कुछ देखिए आप किस प्रकार से दिखाई देगा। यह कार्टून बताता है कि महिला आरक्षण विधेयक संसद में पास क्यों नहीं हो पाया। आप इस पर नजर लगाइए। ठीक, अब देखिए क्या दिया है। चिंता मत करना, हम तुम्हारे लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। अब देखिए, आज भी हमारे यहाँ जो पुरुष आपकी सत्ता है, जो पुरुष मानसिकवादी सोच है, वो कहीं ना कहीं आज भी महिलाओं के विकास में आड़े आती है। ये चीजें आपको देखनी चाहिए और इसको समझने का प्रयास भी करना चाहिए। आइए अब थोड़ा सा हम लोग इसमें बात कर लेते हैं, धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति, इन तीनों को देखते हैं। पारिवारिक कानून, विवाह, तलाक, गोद लेना, उत्तराधिकार, परिवार जैसे जुड़े संबंधित मामले, कानून हमारे देश के सभी धर्मों के लिए अलग अलग पारिवारिक कानून है। सबके लिए कैसा है? अलग अलग कानून है। एक इमेज दी गई है, इसको देखिए फिर आगे बढ़ते हैं। देख लिया? देखिए, आइए अब एक कदम अलग किस्म के सामाजिक विभाजन पर चर्चा करें, यानी धार्मिक या धर्म के अंतरों पर आधारित विभाजन की है। यह विभाजन लैंगिक विभाजन जैसे सार्वभौम तो नहीं है, पर विश्व में धार्मिक विभिन्नता आज बड़ी व्यापक हो चली है। भारत समेत अनेक देशों में अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, पर जैसा कि हमने उत्तरी आयरलैंड के मामले में देखा, अगर लोग एक धर्म को मानने लेकिन उनकी पूजा पद्धति मान्यता अलग अलग हो तब गंभीर मतभेद पैदा हो जाते हैं। अब देखिए, मान लीजिए लोग भले ही एक धर्म के रह रहे हों लेकिन एक धर्म में रहने में उनकी पूजा पद्धति, उनके तौर तरीके, उनके आराध्य को मानने के अलग अलग अपने तौर तरीके हो सकते हैं, उनका पैटर्न पद्धति हो सकती है। तो ये क्या है? और भी गंभीर समस्या है। लैंगिक विभाजन के विपरीत धार्मिक विभाजन अक्सर राजनीतिक के मैदान में अभिव्यक्त होता है। क्या होता है कि ये राजनीतिक के मामले में अभी व्यक्त होता है। एक गांधी जी कहते थे कि धर्म को कभी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। देखिए, गांधी जी ने कहा है कि आप धर्म को आप कभी भी
राजनीति से अलग नहीं कर सकते। धर्म से उसका मतलब हिंदू या इस्लाम या धर्म से ना होकर नैतिक मूल्यों से था। अब देखिए उनका मतलब क्या नहीं था, हिंदू या मुस्लिम से नहीं था, बल्कि क्या था कि नैतिक मूल्य से था जो सभी धर्मों से जुड़ा है। उनका मानना था कि राजनीतिक धर्म द्वारा स्थापित मूल्य से निर्देशित होना चाहिए। अपने देश के मानवाधिकार समूहों का कहना है कि इस देश में सांप्रदायिक दंगों में मरने वाले ज्यादातर लोग अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। उनकी मांग है कि सरकार अल्पसंख्यकों की रक्षा करने के लिए विशेष कदम उठाए। क्या करें कि अल्पसंख्यक जो आपको समुदाय हैं, उनकी रक्षा करने के लिए कुछ विशेष कदम उठाए। तो इतना हमने देखा, इससे आगे आप लोग देखिए, कोई डाउट बनता है, कोई चीज आपको पूछना है तो आप उसे पूछ सकते हैं। देख ले बच्चों, इतना आप लोगों ने चर्चा भी कर ली इस पर, ठीक। आइए आगे देखते हैं और आगे इसमें एक एक करके हम लोग आपका अच्छे से जो है अपनी बात भी करेंगे और इसमें बहुत सारे मुद्दों पर अपनी चर्चा भी करेंगे और एक एक करके हम इन सभी चीजों को बहुत अच्छे से देखेंगे। अब देखिए, बात कर रहे थे हम लोग इसकी महिला आंदोलन की, इसकी महिला आंदोलन का कहना है कि सभी धर्मों में वर्णित पारिवारिक कानून महिलाओं से भेदभाव करते हैं। कह रहे भी जो भी आपके धर्म में वर्णित कानून है वो क्या करते हैं, महिलाओं के साथ आपका भेदभाव करते हैं। इस आंदोलन की मांग है कि सरकार को इन कानूनों को समता मूलक बनाने के लिए उनमें बदलाव करना चाहिए। सरकार को क्या करना चाहिए, जो कानून है उनमें क्या करे, वो आपका बदलाव करे और आपका बदलाव करके उनमें समता मूलक बनाए, यानी कि सबके लिए समान जो आपकी चीजें हैं, समान बाप की हिस्सेदारी रहे, आपकी समान चीजें रहे, इस तरह से कुछ कानून के लिए उन्हें सरकार उसे प्रयास करना चाहिए। ये सभी मामले धर्म और राजनीति से जुड़े हैं। कह रहे कि ये जो भी आपके मामले हैं ये किससे जुड़े हैं, आपके धर्म और आपका राजनीति से ही आपके जुड़े हुए आपके मामले हैं, ठीक है। पर ये बहुत गलत या खतरनाक नहीं लगते, और ऐसा नहीं है कि ये बहुत गलत हैं और बहुत पापा खतरनाक है। विभिन्न धर्मों से निकले विचार, आदर्श और मूल्य राजनीति में एक भूमिका निभा सकते हैं। लोगों को एक धार्मिक समुदाय के तौर पर अपनी जरूरतों, हितों और मांग को राजनीति को उठाने का अधिकार होना चाहिए। जो लोग राजनीतिक आपकी सत्ता में हो, उन्हें धर्म के कामकाज पर नाराजगी करना चाहिए। जो लोग ऐसे काम करते हैं उन पर नजर रखनी चाहिए। अगर वह किसी के साथ व्यवहार करते हैं या आपका वो किसी के दमन करने का सहयोगी की आपका भूमिका निभाते हैं तो उनको रोका जाना चाहिए। क्या करना चाहिए, उनको रोका जाना चाहिए। अगर शासन अभी धर्म के साथ समान बर्ताव करता है तो उसके लिए ऐसे कामों में कोई बुराई नहीं है। क्या करता है, अगर वो सबके लिए समान काम करता है तो उसके लिए क्या नहीं है, कोई बुराई नहीं। तो ये था इतना जितना हमने पढ़ा इसमें धर्म की स्थिति के बारे में, राजनीति कैसे होती है, इस पर पूरी हमने आपकी बच्चों चर्चा की। फिलहाल इसमें अगर कुछ पूछना है, कुछ डाउट है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी बच्चा, चलिए अब देखते हैं सांप्रदायिकता क्या होती है। बड़ा महत्वपूर्ण है कि सांप्रदायिकता क्या है। समस्या तब शुरू होती है जब धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है। पिछले अध्याय का उत्तरी आयरलैंड का उदाहरण राष्ट्रवादियों की ऐसी ही अवधारणा से जुड़ा है।
खतरों को देख जुड़ा है, खतरों को दिखाता है। समस्या तब और विकराल हो जाती है जब राजनीति में धर्म की अभिव्यक्ति एक समुदाय की विशेषता के दावे और परिपोक्ष के रूप में देने लगती है। अब क्या हो जाए जब किसी पता लगा कि एक ही किसी खास धर्म को, किसी खास कास्ट को ही, किसी धर्म को ही आपकी क्या हो रहा है, पक्ष आपका पोषण हो रहा है, तब ये स्थिति क्या होती है, थोड़ी सी आपकी बिगड़ जाती है। तथा इसके अनुयायी दूसरे धर्मावलंबियों के खिलाफ मोर्चा खोलने लगते हैं। ऐसा तब होता है जब एक धर्म के विचारों को दूसरों से श्रेष्ठ माने जाने लगा हो और कोई एक धार्मिक समूह अपनी मांग को दूसरे समूह के विरोध में खड़ा करने लगा है। इस प्रक्रिया में जब राज्य अपनी सत्ता का इस्तेमाल किसी एक धर्म के पक्ष में करने लगता है तो स्थिति और विकट होने लगती है। राजनीति से धर्म को इस तरह से जोड़ना ही सांप्रदायिकता है कि जब राज्य अपनी सत्ता का इस्तेमाल किसी एक धर्म के पक्ष में करने लगता है तो स्थिति और विकट होती है। राजनीतिक से धर्म को इस तरह से जोड़ना ही सांप्रदायिकता है। अगर आप इस तरह से ऐड करते हैं तो ये क्या है आपकी, ये सांप्रदायिकता है। सांप्रदायिकता या सांप्रदायिक राजनीति की इस सोच पर आधारित होता है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। इस मान्यता के अनुकूल सोचना सांप्रदायिकता है। इस सोच के अनुसार एक खास धर्म में आस्था रखने वाले लोग एक ही समुदाय के होते हैं, उनके मौलिक हित एक जैसे होते हैं तथा समुदाय के लोगों में आपसी मतभेद सामुदायिक जीवन में कोई अहमियत नहीं रखते। इस सोच में यह बात भी शामिल है कि किसी अलग धर्म को मानने वाले लोग दूसरे समुदाय का हिस्सा नहीं हो सकते अगर धर्म के लोगों की सोच के कोई समान नहीं दिखाई देता। क्या है? उनके ऊपर कोई आपका समान नहीं दिखाई देता। तो यह ऊपरी और बेमानी होती है। अलग अलग धर्मों के लोगों के हित तो अलग अलग होंगे ही और उनमें टकराव भी होगा। सांप्रदायिक सोच तब ज्यादा आगे बढ़ती है तो उनमें यह विचार जुड़ने लगते हैं कि दूसरे धर्म के अनुयायी यानी कि जो आपके फॉलोवर हैं, एक ही राष्ट्र में समान नागरिकों के तौर पर नहीं रह सकते। इस मानसिकता के अनुसार तो एक समुदाय के लोग को एक दूसरे से के वर्चस्व में रहना होगा, फिर उनके लिए अलग अलग राष्ट्र बनाना होगा। क्या होगा कि वो उस देश में आपका सुरक्षित नहीं रह सकते, ऐसी मानसिकता बन जाती है। और क्या होगा, उनके लिए एक जो अलग राष्ट्र है वो बनाना होगा। अब यह मान्यता बुनियादी रूप से गलत है। एक धर्म के लोगों के हित और उनकी आकांक्षाओं को हर मामले में एक जैसा जैसी हो, यह संभव नहीं। अब देखिए, सबका एक जैसा आपका मामला हो, सबको एक जैसा हित हो, तो ये संभव नहीं है। हर व्यक्ति कई तरह की भूमिका निभाता है, जैसे कि उसकी हैसियत और पहचान अलग अलग होती है। हर समुदाय में तरह तरह के विचार के लोग होते हैं। इन सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है। इसलिए एक धर्म से जुड़े सभी लोगों को किसी गैर धार्मिक संदर्भ में करके देखना, उस समुदाय की विभिन्न आवाजों को दबाना है। सांप्रदायिकता राजनीति में उनके रूप धारण कर सकती है। क्या कर सकती है? राजनीति आपकी इस तरह का रूप जो है वो धारण कर सकती है। सांप्रदायिकता की सबसे आम अभिव्यक्ति दिन 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 जीवन में दिखती है। इनमें धार्मिक पूर्वाग्रह, धार्मिक समुदाय के बारे में बनाई गई अवधारणाएं और एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने की मान्यता शामिल है। ये चीजें इतनी आम है कि अक्सर हम उन पर ध्यान तक नहीं देते जबकि ये हमारे अंदर ही बैठी होती है। कह रहे, हम इन पर ध्यान तक नहीं देते और क्या होता है, चीजें हमारे अंदर बैठी होती है।
सांप्रदायिकता सोच अक्सर अपने धार्मिक समुदाय का राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करके बेफिक्र रहती है। जो लोग बहुसंख्यक समुदाय के होते हैं उनकी यह कोशिश बहुसंख्यक बात का रूप ले लेती है। जो अल्पसंख्यक समुदाय के होते हैं उनमें यह विश्वास अलग राजनीतिक इकाई बनाने की इच्छा का रूप है। ऐसा है, अलग राजनीतिक इच्छा बनाने का एक रूप है। सांप्रदायिकता आधार पर राजनीतिक गोलाबंदी सांप्रदायिकता का दूसरा रूप है कि अगर हम सांप्रदायिकता के आधार की बात करें तो उसमें राजनीति में जो आपकी गोलाबंदी होती है वो सांप्रदायिकता का आपका दूसरा रूप है। इसमें धर्म के पवित्र प्रतीकों, धर्म गुरुओं, भावनात्मक अपीलों और अपने ही लोगों के मन में डर बिठाने का एक तरीका उपयोग में है, आम है। चुनावी राजनीति में एक धर्म के मतदाताओं की भावना या हितों की बात उठाना जैसे तरीके अक्सर अपनाए जाते हैं। क्या करते हैं, किसी आप देखते हैं कि जब आपका राजनीतिक चुनाव होता है तो किसी एक धर्म पर ही हम लोग विशेष फोकस करके अपना चुनाव लड़ते हैं, वोट मांगते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपका जो हमारी भावनाएं हैं उन भावनाओं के खेल के साथ वो धार्मिक रूप में उन हितों को उठाते हैं और इनको राजनीति से जोड़ते हैं। कई बार सांप्रदायिकता सबसे गंदा रूप लेकर संप्रदाय के आधार पर हिंसा, दंगा और नरसंहार करती है। विभाजन के समय भारत और पाकिस्तान में भयावह सांप्रदायिक दंगे हुए। आजादी के बाद भी बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा हुई। कह रहे बड़े पैमाने पर भी भारत में आजादी के बाद भी ये सब आपका देखा गया। तो इतना हमने देखा है फिलहाल। इसमें कुछ आपको पूछना हो या कोई चीज आपको समझ नहीं आई हो मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझसे पूछ। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। देखा इतना, कोई यहां तक डाउट है, किसी कुछ पूछना? तो आपको पता लगा कि सांप्रदायिकता के क्या आधार हैं, किन किन चीजों से आपके सांप्रदायिकता फैलती है और क्या उन सब की चीजें हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और बहुत सारी चीजें हैं उनको हम लोग इसमें देखते हैं और एक एक करके बात करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इसके अंतर्गत धर्म निरपेक्ष आपका शासन का। इसका धर्म निरपेक्ष शासन का सांप्रदायिकता हमारे देश के लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती रही है। हमारे संविधान निर्माता इस चुनौती के प्रति सचेत थे, इसी कारण उन्हें धर्म निरपेक्ष शासन का मॉडल चुना। इसी आधार पर संविधान में अनेक प्रावधान किए गए। इनके बारे में हम पिछले साल पढ़ चुके हैं। अब देखिए, भारतीय राज्य ने किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकृत नहीं किया है। जो भारत देश है, जो भारत राज्य है, उसने किसी भी धर्म को एक्सेप्ट नहीं किया है, स्वीकार नहीं किया। बताइए, क्या भारत का कोई धर्म है? नहीं। हम पंथ निरपेक्ष, हमारे यहाँ हर धर्म, हर समुदाय, हर पंथ को मानने की आजादी है, क्योंकि धर्म के अंदर भी आपके पंथ बने हुए हैं। और उन पंथों को क्या है बच्चों, मानने की हमको आजादी है। श्रीलंका में बौद्ध धर्म, पाकिस्तान में इस्लाम धर्म, इंग्लैंड में ईसाई धर्म को दर्जा दे रखा है। अब देखिए, श्रीलंका का जो राजकीय धर्म है वो बौद्ध है, पाकिस्तान का जो राजकीय धर्म है वो इस्लाम है, और इंग्लैंड का जो राजकीय धर्म है वो आपका ईसाई यानी क्रिश्चियन है। इसके विपरीत भारत का संविधान किसी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता। संविधान सभी नागरिकों और समुदाय को किसी भी धर्म का पालन करने और उसको प्रचार करने की आजादी देता है कि आप
किसी भी धर्म का पालन कर सकते हो, आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, ये सारी आजादी क्या है आपको जो है संविधान देता है, ठीक, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो इसको हमने आज देखा, बाकी हम लोग शेष आपके चैप्टर कल पढ़ेंगे और इसके साथ ही हम इसके प्रश्न उत्तरों को भी करेंगे, तो आप लोग अच्छे से रिवीजन करते रहिए, कोई भी डाउट बनता है तो आप मुझसे जरूर पूछिए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए, मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।